अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं चाकुलिया टाइम्स। अभी हम मौजूद हैं करंदीगी ब्लॉक अंडर दालकोला थाना जियागाछी हाट में। एक यहाँ परिवार है, तनवीर आलम नाम का एक व्यक्ति जिसकी उम्र 28 साल बता रहे हैं, शादीशुदा। वो यहाँ से बेंगलोर काम करने के लिए गए थे और वहाँ अचानक तबीयत ख़राब होने की वजह से उनकी मौत हो गई और डेड बॉडी कुछ ही समय में अब यहाँ पहुँचने वाला है। परिवार उतना कुछ खास नहीं है, बच्चे, दो बच्चे हैं। और आइए यहीं लोकल कुछ लोगों से बात करते हैं कि सबसे बड़ी जो हमारे पश्चिम बंगाल और हमारे उत्तर दिनाजपुर ज़िला का जो सबसे बड़ी जो परेशानी है, सबसे बड़ी परेशानी यही है कि यहाँ से निकलकर हम लोगों को कहीं बाहर जाना पड़ता है दो वक्त की रोटी की तलाश में। अगर ये शायद बेंगलोर में नहीं जाते तो जान बच सकती थी, क्योंकि वहाँ कोई अपना नहीं होता है। अगर घर परिवार में किसी की तबीयत ख़राब होती है तो यहाँ देखने वाले चार लोग होते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता है। अब ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि घर से वो काम करने के लिए गए थे अपनी बीवी अपने बच्चों के लिए, लेकिन आज खबर मिलती है कि उनकी डेड बॉडी घर आ रही है। कुछ लोग हैं मौजूद यहाँ, इन लोगों से हम बात करते हैं। के नाम का गवर्नर? खुश मोहम्मद। खुश मोहम्मद जी, कोबेकार घटना है असल? घटना तो परसुकार, किंतु हमार बाड़ी এখানে না, বাইরে বাড়ি আমার। আচ্ছা, তো কিছু বলতে পারবেন ওর বাড়ির কোন অবস্থা? আমরা আতিও। আচ্ছা, কানা তানবীর আলো। তানবীর, কितने बच्चे हैं उसके? दो। दो बच्चे हैं, छोटे हैं कि बड़े हैं? छोटे हैं। लड़का लड़की? दो लड़का है। दो लड़का है। और कब कितने दिन पहले गए थे वो बेंगलोर? 10 तारीख में गया था। 5 तारीख में गया। इसी महीने की? हां। तो किस तरह से मतलब खबर मिली है कुछ कि कैसे क्या हुआ वहाँ पर? उसमें मालूम नहीं है। आप बोल पाएंगे सर कि जो तनवीर आलम की मौत हो गई है बेंगलोर में, वो बाहर काम करने के लिए गए थे लेकिन अचानक जो एक दुखद खबर आई है, इस घटना के विषय में कुछ बोलिए। घटना के बाद हमको इतना मालूम नहीं था, लेकिन जिस दिन गया है उस दिन हम यहीं थे। उसके बाद सही सलामत में कुछ बीमारी उमारी कुछ नहीं था, ऐसे गया। हम उसको बोले कि जिस टाइम जा करके वहाँ पहुँचना है उस टाइम में थोड़ा एक कल करना है। अच्छा, बोला ठीक है, जब हम जाएंगे तो कल करेंगे। वहाँ जा करके पहुँच गया था, हमको बोला, फ़ोन किया, ठीक है सही सलामत में काम कीजिए रखिए। उसके बाद दो चार दिन काम किया है, इस महीने में 4 तारीख 5 तारीख में गया है यहाँ से। जा कर तब हम शुक्रवार को उस दिन कितना 18 तारीख था ना, 20 वैसे भी था, लेकिन मैच अचानक सुनते हैं कि जब मेरा उसको डेट हो गया है तो मेरा का दिल सड़ा घबरा गया था। ऐसा बच्चा है, दो बच्चा है, इसका उसका परिवार भी है, इसे कैसे क्या हुआ गया? थोड़ा हम सुनते हैं आदमी के पास पैजन था, हम लोग तो वही नहीं था, क्या हुआ कि नहीं हुआ, थोड़ा बोला कि थोड़ा पेट में दर्द हुआ, ऐसे मतलब तबीयत खराब हुई और अचानक मौत। तो कैसी हालत है उन लोगों की यहाँ पर, माली हालत कैसी है? माली हालत किसान कुछ, है कुछ नहीं है सर, उसका कुछ नहीं है, उसका पापा का उतना नहीं है, उसका पापा का उसका घर में हम दामाद है सर। अच्छा, हाँ। तो अभी जो उनके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी बीवी है, तो कोई सहारा? सहारा क्या करेगा, गांव वाला अगर कुछ देगा किम्बा, लेकिन उसका भाई भगत है, अगर कोई अगर लेगा तब, लेकिन उसका तो कुछ नहीं है। तो जमीन ज़्यादा कुछ नहीं है? कुछ नहीं है जमीन जगह, ऐसा भी मजबूर है। तो यही समस्या जो हमारे उत्तर दिनाजपुर ज़िला में उभर के सामने आता है कि रोज़गार एक सबसे बड़ा मुद्दा। हर चुनावी मंच से हर पार्टी के नेता ये दावा तो करते हैं कि गरीबी को मिटाएंगे, गरीबों को का भला करेंगे, रोज़गार पैदा करेंगे और तरह तरह की योजनाओं के बारे में बोलते भी हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर अगर इन सब चीज़ों को देखा जाए तो ये सब चीज़ बिल्कुल ही नज़र कहीं पे नहीं आता है। आज एक लड़के को अपना घर परिवार छोड़ करके बेंगलोर जाना पड़ता है और वहाँ से इतनी बड़ी दुखद खबर अगर उनके परिवार को मिलती है, बताइए कि उनके दिल पे क्या बीत रहा होगा। छोटे छोटे दो बच्चे हैं, दो छोटे छोटे बच्चे हैं, बता रहे हैं कि उनका अब कोई सहारा नहीं है, कैसे आगे ज़िंदगी उनकी कटेगी, कैसे परवरिश होगा उनका, बच्चों का जो भविष्य है वो कैसे उज्जवल होगा, ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। चाचा, क्या नाम है आपका? एमडी नजीर हुसैन। नजीर हुसैन साहब यहीं के हैं? हाँ, हमारा भाई है। तो अच्छा, कैसे क्या हुआ था? यहाँ से तो बम्बई अच्छा आदमी गया है। अच्छा, बम्बई? हाँ, बम्बई गए थे। अच्छा। उसके बाद मैंने जो उसको पेट में दर्द उठा, दर्द उठने के बाद मैं उसको हॉस्पिटल ले गया,
हॉस्पिटल मैंने अल्ट्रासाउंड किया, अल्ट्रासाउंड वहाँ का डॉक्टर बोला जे तुम दूसरे हॉस्पिटल जल्दी जाओ, एम्बुलेंस में उठाए, उठा के मैंने जो हॉस्पिटल जाते जाते रास्ते में मैंने जो उसको दम तोड़ दिया। तो यही चिंता भावना हम लोग करते हैं जे क्या करेंगे, उनका दो ठो छोटा छोटा बच्चा है, कैसे जिंदगी। सबसे बड़ी तो समस्या वही है कि उनके बच्चों का जो आगे भविष्य है, जो वो बना पाता, अब वो बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, ये आगे देखने वाली बात है। ठीक, मैंने जे हम लोग कोशिश करेंगे कुछ, मैंने जो उन लोगों को मैंने कुछ दे के मदद करेंगे, और आप लोग का तरह मैंने जो कुछ होगा तो कुछ मदद कीजिए, तब वो दो ठो बच्चा का जिंदगी कुछ सुधरेगा। तनवीर आलम के पिताजी हैं और ये आप भाई हैं, भाई है, ये उनका बच्चा है, डेढ़ दो साल का होगा, ये उनका बच्चा है, अब इसका आगे पूरा भविष्य है। एक ये बच्चा है, देखिए ये बच्चा है, ये सबसे बड़ी समस्या, क्यों जाना पड़ता है बाहर, इतना बड़ा राज्य और यहाँ पे रोज़गार नहीं है, इन सब बच्चों को छोड़ करके आज वो गया काम करने के लिए, आज खबर वहाँ से इतनी बुरी खबर आ जाती है कि घर वालों का एकदम बुरा हाल हुआ पड़ा है। मैं उनके पिताजी से बात करूँगा। काकू कोबे गेसिले तनवीर आलम भाई रे? चार तारीख है घटना, कोबे घटे छे? शुक्रवार दिन अपना खबर पे हैं। की हुई छो ওখানে বলছিল যে পেটে ব্যথা, তো ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাচ্ছিল, ডাক্তারের কাছে বলে নিয়ে যাচ্ছিল যে রাস্তাতে, ডাক্তারের কাছে গেছিল কি না অতকাল আমি বলতে পারবো না, কিন্তু মানে রাস্তাতেই কয়েছে যে কত মেয়ে গেছে, কেউ বলছে যে না ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছিল। কে কে ছিল আমার সঙ্গে, আরও কেউ আছে এখানকার? ওখানে মানে গ্রামের লোক ছিল, সব ছিল, মানে অসুখ হওয়ার পরে লাগছে যে ভালো করে দেখাশোনা হয়নি, যে মানে বাড়িতে যেরকম দেখভাল হয়, বাড়ির মতন কি বাইরে হয়, বাড়ির মতন তো হবে না, ওখানে যদ্দূর পেরেছে ওরা করেছে, ওরা যদ্দূর পেরেছে কোশিশ করেছে, আর তারপরে তো মারা গেল খবর শুনল। দেখুন আসতেছে আপনি ওর ভাই? তোহিদ আলম কি বলবেন বলেন, আমার যে এই ছেলে দুইটা আছে, বাচ্চা আছে, এই দুইটা বাচ্চার আগামীকাল একটা ভবিষ্যৎ আছে, পড়াশোনা করাতে হবে, এদের ভবিষ্যৎটা বানাইতে হবে, কি করে করবেন? আমাদের এখানে কাজ পাওয়া যায় না, ওই জন্য বাইরে পেটাতে হচ্ছে, কি করা যাবে, ওই জন্য রোজগারের জন্য তো পেটাতে হবে, বাইর খাটতে হবে, কাজ পাওয়া যায় কি বাইর যায়, আর ভবিষ্যতের জন্যে এখন তোমরা মদত করো কিছু বাচ্চার জন্য। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से मांग करना चाहूँगा जो इलाके के रहनुमा लोग हैं, जो मददगार लोग हैं, कि ये जो छोटे छोटे बच्चे, अब इनके पीछे इनका कोई सहारा नहीं, ये चाचा हैं, ये दादाजी हैं, आज उनके पिताजी तनवीर आलम 28 साल उम्र बताई जा रही है, वो अब इस दुनिया में नहीं है, घर से अच्छा खासा गए थे कमाने के लिए, इन बच्चों के लिए ही गए थे, लेकिन आज खबर आई कि वो वहाँ से उनकी डेड बॉडी वापस आ रही, जो बहुत बड़ी दुख की बात है। तो कोई भी अगर कुछ मदद करना चाहते हैं तो ये जियागाछी हाट करबला मैदान में इनका घर है, यहाँ आ सकते हैं, मदद कर सकते हैं। धन्यवाद।